नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ था, उसके बाद कई और दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला था, लेकिन अब तक ये मामला ठंडा नहीं हुआ है। अब यूपी में ये विवाद देखने को मिल रहा है, जो कि खूब चर्चाओं में है, जहां एक लड़की की मां को बुरखे की वजह से रोक दिया गया, जिसके बाद खूब बवाल भी हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्विमिंग कोर्स कर रही एक लड़की की मां को बुरखे में आने पर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया और बच्चे की दाखिल फीस वापस कर उसे स्टेडियम में ट्रेनिंग देने से भी मना कर दिया गया। बता दें, पूरा मामला रामपुर में बवनपुरी स्थित शहीदे आजम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है और यहाँ की जिम्मेदारी जिला खेल अधिकारी नवीन कुमार देखते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि सना रासिद नाम की महिला अपनी माँ और बहन और उनकी बेटी के साथ स्विमिंग के लिए स्टेडियम पहुंची, जहाँ पर जो छोटी बच्ची है, बहन की बेटी, उसको ट्रेनिंग देना था, जहाँ तीनों महिलाएं बुरखे में थी, जिसके बाद वो ट्रैक पर पहुंची। लेकिन जैसे ही नवीन कुमार की नजर उन पर पड़ी, तो उन्होंने स्टेडियम में बुरखा पहनकर आने पर महिलाओं से सवाल किया, जिसके बाद धीरे धीरे इस पर बहस भी शुरू हुई। खेल अधिकारी ने नियम और शासन की मांग के बारे में बताते हुए बुरखे में ट्रैक पर आने की पाबंदी बताई, जिसके बाद महिला पक्ष के कुछ लोग आ गए और एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल शुरू हो गया। महिला का कहना है कि वो अभिभावक के तौर पर अपनी बच्ची को लेकर स्टेडियम पहुंची थी, वो वहां किसी खेल में हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन खेल अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की और बुरखे को लेकर टोकना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि उन्होंने बेटी का एडमिशन भी निरस्त कर दिया। सना रासिद ने कहा कि वो अपनी माँ और कजन के साथ स्टेडियम गई थी, उनके कजन को भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। हम मुस्लिम हैं तो हम सभी ने बुरखा पहना था, लेकिन वहां मौजूद खेल अधिकारी ने कहा कि हम ग्राउंड में बुरखा पहनकर नहीं आ सकते। सना ने कहा कि हमें वहां रनिंग नहीं करनी थी, सिर्फ बच्चे का दाखिला कराना था, लेकिन खेल अधिकारी ने कहा कि स्टेडियम में बुरखे की अनुमति नहीं है। जब हमने पूछा कि ऐसा कहां लिखा है, तो वो हमारे साथ अभद्रता से बात करने लगे। अगले दिन उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेकर मेरे चाचा को रोक दिया। जब हमने अगले दिन से स्विमिंग कॉस्ट्यूम देने के लिए कहा, तो उन्होंने दाखिले की फीस वापस कर दी और बेटी का दाखिला निरस्त कर दिया, जबकि एडमिशन फॉर्म में इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। वहीं सना का आरोप है कि खेल अधिकारी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे किसी खेल में हिस्सा नहीं लेना था, मेरी बेटी वहां स्विमिंग सीख रही थी, अगर उसके ड्रेस कोड को लेकर कोई मसला है तो उसे कहना चाहिए था। गार्जियन के बुरखे को लेकर क्या मुद्दा बनाया जाता है? अब आपको ये बताते हैं कि जिला खेल अधिकारी नवीन कुमार का क्या कहना है। नवीन कुमार ने आरोप लगाया है कि 4 जून को कुछ महिलाएं स्टेडियम में आई थी और वो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी, उनके पास कोई स्पोर्ट्स किट भी नहीं थी और उन्होंने बुरखा पहना हुआ था। खेल अधिकारी ने कहा कि अगर आपको स्टेडियम आना है और टहलना है, तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आए, लेकिन इसी बात पर बहस करने लगी और उल्टा फुल्टा बोलने लगे। उन्होंने किसी नेता को भी बुला लिया, जो उनके साथ बहस करने लगे। नवीन ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो भी खेलने या अभ्यास करने आते हैं, वो प्रॉपर ड्रेस कोड में और स्पोर्ट्स किट में ही आते हैं। अगर आपको खेलना है तो साथ बने लॉन में खेल ले, लेकिन मेन ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, जहां लड़के प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हिजाब पर विवाद जारी है और ये यूपी में पहुंच गया है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, ये विवाद कितना फैलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।